देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस जश्न से मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस अवसर पर अलग-अलग इलाकों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी फहरिस्त में भारी उत्तरी दिल्ली के भलसवा इलाके में शामिल एक विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान सर्वधर्म सम्मान की झलक भी देखने को मिली, और जहां अलग समुदाय के लोगों ने भी इस यात्रा के सहभागी बनकर अनेकता में एकता का संदेश दिया। इस मौके पर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव ने संदेश देते हुए कहा कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है लोगों में देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना और समाज में एकता, आपसी भाईचारा और सद्भाव को बनाए रखना। ये हमारा वार्षिक प्रोग्राम रहता है। हर गणतंत्र दिवस के अवसर पर बादली विधानसभा क्षेत्र में हम एक विशाल यात्रा निकालते हैं। इस बार हमने फैसला लिया था कि बाइक यात्रा के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे। ये एक ऐसा मौका है जिस समय हम अपने शहीदों को, अपने जो जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, उनको, जिन्होंने हमारे इस गणतंत्र की स्थापना की, जिन्होंने संविधान देने का काम किया, उन सब नेताओं को हम इस के द्वारा श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हैं। युवाएं संयमित रहें, बस सबको आज़ादी है, इस आज़ादी का हम सबको आनंद लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको निर्वहन करें।